दोस्तों आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं बन जाए आपकी भी बात तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी दुनिया में हमारे साथ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखने सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको वीडियो देखने में जो समय लग रहा है उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा और आपको फ़ायदा मिल पाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे भाई हैं जो खुद के नाकामयाबी को लेकर, खुद की परिस्थितियों को लेकर या खुद के रंग रूप को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं। वो इतना परेशान और निगेटिव हो जाते हैं कि धीरे धीरे उनके अंदर खुद को लेकर खुद के लिए हीन भावना उनके मन में पनपने लगती है, जो कि उनके भविष्य और उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। इससे उनका भविष्य और उनका स्वास्थ्य दोनों ही खराब हो सकता है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि खुद में खुद के लिए ही हीन भावना रखने से बेहतर है खुद की तारीफ़ करते रहो, खुद के दिमाग की तारीफ़ करते रहो, खुद के स्वास्थ्य की तारीफ़ करते रहो, खुद के पर्सनालिटी और हुनर की तारीफ़ करते रहो। दोस्तों इससे होगा ये कि जब आप खुद की तारीफ़ करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, आपकी सोच सकारात्मक होती जाएगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा और जब आप अपने प्रति सब कुछ अच्छा फील करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। हमारी परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, हम अपनी सोच के दम पर, अपनी पॉजिटिव सोच के दम पर उसे बदल सकते हैं। बस हमें इसे अपनी आदत बनानी होगी, क्योंकि जब तक हम इसे अपनी आदत नहीं बनाएंगे हमें इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और जब हमें इसका रिज़ल्ट मिलने लगेगा तो हम इस पर और भी फोकस करेंगे और करते ही रहेंगे। दोस्तों आज सभी लोग तो जानते ही हैं कि अगर हम अपने अंदर किसी तरह की हीन भावना रखते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर या नष्ट होने लगती है, हम में कुछ करने की इच्छा नहीं रह जाती और कभी कभी तो हमारे हीन भावना के कारण ही हमारे जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है और हमारी लाइफ इसीलिए अंधकार में जाने लगती है। हम अपने लक्ष्य से, अपने सपनों से भटकने लगते हैं। दोस्तों किसी भी इंसान को उसका भविष्य पता नहीं होता है, मगर हर एक इंसान को ये ज़रूर पता होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है और यही उसका भविष्य होता है, मगर इंसान इसे अपनी कुछ गलतियों और लापरवाही से खो बैठता है। वो अपना भविष्य हालातों के ऊपर सौंप देता है, जबकि होना तो ये चाहिए कि वो खुद ऐसे हालात बनाए जिससे उसका भविष्य उसके आगे आ जाए। कहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि हमें लाइफ में क्या बनना है, मगर हमें उसके लिए क्या करना है वो शायद हम में से कुछ लोग ही जानते हैं और करते हैं, और जो करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इतना हमेशा याद रखना, आपकी सोच ही आपका भविष्य है और उस पर काम करना, उसके लिए काम करना, आपके सपनों को, आपकी सोच को, आपके भविष्य को साकार करने का जरिया। दोस्तों हमारा भविष्य
हम खुद ही अपनी सोच के जरिए निर्धारित करते हैं कि हमें बड़ा होकर ये बनना है, बड़ा होकर वो बनना है। मगर जैसे जैसे समय गुजरता है, हमारी सोच, हमारे सपने या तो हमारी परिस्थितियों के नीचे दब जाते हैं या हम खुद ही उन्हें धुंधला कर देते हैं। और जब हम अपनी सोच को ही कायम नहीं रख पाते तो अपने भविष्य को कैसे कायम कर पाएंगे। और यही वजह है कि हम जब अपने आप को किसी चीज़ में फेल पाते हैं तो हमें अपनी योग्यता पर शक होने लगता है, हमारा खुद पर से भरोसा टूटने लगता है और हम डिप्रेशन और हीन भावना के शिकार बनते जाते हैं। और उस पर अगर किसी ने हमारा मजाक बना दिया तो ये भावना हमारे अंदर और तीव्र हो जाती है। हमें इसे ही कंट्रोल करना है, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है और अपनी सोच को प्रोफेशनल और अपनी एक्टिविटी को टेक्निकल बनाना है। अगर आप अपने लक्ष्य में सफल होते हो तो बिल्कुल सही जा रहे हो, और अगर असफल हो रहे हो तो टेक्निकल तरीके से सोचो कि क्यों हो रहे हो। और दोनों ही हालातों में पॉजिटिव रहो और खुद को डेवलप करते रहो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी या मैं मेरी बात आपको ठीक से समझा पाया हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और अगर आपने हमारे चैनल हमारी दुनिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका लाख लाख धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल हमारी दुनिया पर पहली बार आए हैं और ये आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया पर पहला विजिट है तो दोस्तों, आप भी हमारे और भाइयों की तरह हमारे चैनल हमारी दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भाई को फिल्म संबंधी जानकारी चाहिए, जैसे सिंगिंग, एक्टिंग और राइटिंग से रिलेटेड, तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से जल्द देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर कोई ग्रुप जो कॉमेडी वीडियोस या शॉर्ट फिल्म बनाने का इच्छुक हो और उन्हें राइटर चाहिए जो उनके लिए कंटेंट, स्टोरी या स्क्रिप्ट लिख सके, तो ऐसे भाई भी हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से मेरा चैनल ग्रो हो रहा है और जिस तरह से मेरे सब्सक्राइबर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इसी तरह से आप लोग अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रेम और सपोर्ट देखकर ही मैं और भी मोटिवेट हो जाता हूँ आप लोगों के लिए इसी तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, मैंने मेरे कुछ खास वीडियो को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से भी अपनी मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सारे वीडियोस हमारे चैनल हमारी दुनिया पर आकर देख सकते हैं। आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया में सहर्ष स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपने नए दर्शक भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल हमारी दुनिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें अपना बहुमूल्य सपोर्ट दें।
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, चलते चलते आपको साजन का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।